हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सो मीन्स आर्ट। तो आज हम आपके साथ आइसक्रीम स्टिक से एक रूम डेकर शेयर करने जा रहे हैं। मैं एक ज्वेलरी बॉक्स बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने आइसक्रीम स्टिक लेकर दोनों दो साइड पर रख दिया और इसके ऊपर ग्लू देकर अपोजिट साइड पे और दोनों आइसक्रीम स्टिक को अटैच कर दिया। इसी तरह करके दोनों स्टिक को एक साइड पर और दोनों स्टिक को अपोजिट साइड पर लगाते जाऊंगी। और मैंने दोनों दोनों करके 22 सेंटीमीटर ऊंचाई की मेरे इस ज्वेलरी बॉक्स को मैं इस बॉक्स को ज्वेलरी बॉक्स की तरह यूज़ करूँगी। अब इसे कुछ देर तक ड्राई होने के लिए रख दिया। अब मैं इसका नीचे वाला पोर्शन को करूँगी, तो इसलिए चारों तरह ग्लू लगा के स्टिक को अटैच कर देंगे इसी तरह। और इसे मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं और एक बार स्टिक को अपोजिट साइड से इसी तरह लगा देंगे। अब मैं इस ज्वेलरी बॉक्स का लीड बनाऊंगी, तो इसलिए पहले दोनों स्टिक को इसी तरह रख के इसके ऊपर एक के बाद एक स्टिक को अटैच करते जाऊंगी। इसके ऊपर भी मैं दो बार आइसक्रीम स्टिक को लगाऊंगी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो लीड मेरा रेडी है। अब इसे मैं थोड़ा वुडन फिनिश देने के लिए ब्राउन कलर के साथ वाटर मिक्स करके कलर कर रही हूँ। और इसको चारों तरह और अंदर में भी मैं कलर कर दिया। अब लिड को ओपन करने के लिए मैं इसे बना लूँगी। तो इसे बनाने के बाद मैं इसे ब्राउन कलर से पेंट कर दूंगी और मैं थोड़ा डिज़ाइन भी इसे ऐड कर दिया। पेंट पूरा ड्राई होने के बाद मैं वुड वर्निश इसके ऊपर दो बार अप्लाई कर दूंगी। मैं इसे दो बार अप्लाई किया इसलिए इसे ज़्यादा में ग्लॉसी भाव देना चाहती थी। वार्निश देने के बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दिया। तो हो गया मेरा आज का ज्वेलरी बॉक्स। आप किसी भी तरह इसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसे ज्वेलरी बॉक्स के तरह ही यूज़ किया। तो आज इस तक मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो को लेकर। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट, लाइक, शेयर करना। बाय बाय।